ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ मेरा नाम मामचंद है, मेरी भतीजी नीतू देवी, मेरी भरजाई जी रीटा देवी, ठीक है जी। इन्होंने एक मेरा भतीजा जी किडनैप करके सोनी एंड पालती सोनी के नाल शेवा है जी, ठीक है जी। बाकी होर ग्रुप के मैंबर ने 12 बंदे ने नाँ लिखे एफ आई आर से, यह एफ आई आर दर्ज हुई है जी। असी दोबारा उत्थे रिकवर की जी, दोबारा फिर कल चक्की ना, कल पटियाले शरेआम बदमाशी करके जी उत्थों चक के लियाए। मेरी भरजाई ने मेरे भरा भी मार देना, एक कुड़ी चक के लिया जी धक्के नाल, जिहड़े बंदे आ उह बाकी कुड़ी बयान दसूगी, मैं नहीं किसे नूं जानदा। यह जिहड़ी सोनी बामणी है गोबिंदगढ़ दी है जी, यह गोबिंदगढ़ दी है विधि चंद कलोनी, ठीक है जी। यह सैक्स रैक्ट का धंधा चलाती है बड़ा जबरदस्त जी, 13 परचे ने जी इसते, ठीक है जी। ये की करती है जी, कुड़ी मुंडे नूं अंदर बढ़ा के जदों कयो अपने गंदी हालत च आते हैं, फिर ये मम्मी डैडी बन के शेहोरी पिछे जाते हैं। जिहड़ा बंदा अंदर दुकान से सौदा लैन गया हुंदा जी, उन्हूं कुटमार की जाती है, उन्हें गेम पा के कई बंदे ने जो असीं विद प्रूफ हाजिर कर सकते हैं जी, तो ये फिर उत्थे सैक्स रैक्ट चलाते हैं, उन्हें कुट के भी साडी कुड़ी नाल गलत काम करदा भेजे आप जाता जी। मेरी बेटी के 18 ब्याह किए हुए मेरी भतीजी के जी, उन्होंने उत्थे ब्याह के घर जाके जिहड़े 18 बंदे असीं जानते हैं जी, उन्होंने घर जाके उन्होंने घरों जिन्ना कोई लोहा सोना गहने पैसा होंदा सोनी बामणी पिछों फोन करती है, उन्होंने बाहर मिलने वास्ते बुला के पिछों इनके बंदे लैके उन्होंने भज जाते हैं जी, ठीक है जी। इदा गेमां पा पा के इन्होंने पंजाब च फतेहगढ़ साहब की धरती से जिहड़ी गुरुआं की धरती है बड़ा वड्डा गंद पाया होया। मेरी भतीजी की उम्र 17 साल 3 महीने है जी, नाबालिग से 13 साल की जो सोनी घरों चक के लिया जी। मेरे भरा नूं इन्होंने मैं चंडीगढ़ रहिंदा जी, वो घनौर रहिंदे ने मेरे शरीके चों लगदे भरा, मेरे भरा नूं पारा दे के उन्हूं मंजे ते पाया होया जी। मेरे भरा दे सामने मेरी भतीजी की इज्जत लुट्टी गई इन्हां दे गुंडियां ने, इज्जत लुट के घनौर थाने च कंप्लेट दित्ती गई भी कुड़ी दे बाप ने कुड़ी नाल गलत काम किया होया, मेरी भरजाई नूं कुटमार करके किडनैप करके लैके आए। अज साडे कोल फरौतियां मंग रहे भी रिकॉर्डिंग है भी 5 लाख रुपया दे दिओ, तुहाडी कुड़ी भी ते तुहाडी भरजाई भी छड्ड दिंदे आ जी। असीं पुलिस नूं दस्सिया, पुलिस का नैटवर्क इन्ना कु माड़ा है जी पंजाब च, पुलिस ने साडी कोई मदद नहीं की। जिहड़ी एफ आई आर दर्ज हुई है जी, यह एफ आई आर कोर्ट ने की विद बयाना, तो साडी पुलिस मैडिकल कराने तों जवाब दे गया जी। मैं दोबारा अपने खर्चे ते मैडिकल मान जो पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट से दोबारा रिट पा के मैडिकल वास्ते भी मैनूं रिट पानी पई, रिट पा के फिर मैडिकल कराया, मैडिकल बैच ते परचा दर्ज होया, इस चे किसी की कोई गलबात नहीं है। खन्ने तो अज साडे ते झूठा केस बनाने वास्ते इन्होंने मेरी भतीजी तो की कहवाया भी मैं उन्हें गलत हाँ भी एक उन्हें गलत गड़े में किडनैप करके रखी हुई है, जबकि असी डेली SSP पटियाला कुड़ी मिलाते हैं, रजिंदरा चो लाच चलता डेली उत्थे लैके जाते हैं। कल जो MLA साहब मेरी भतीजी तो मेरी भरजाई के भरा मिलने वास्ते आए, इन्होंने सर शरेआम गुंडागर्दी करके उत्तों मेरी भतीजी चक्की जी। हाँ जी 2.5 लाख रुपया, 1,30,000 रुपया कुड़ी के सामने दिता जी, भी तुम्हें तो ना भज्जी तेन मार देंगे, इन मजबूर करता जी। इन्हों बंदे मिल गया जी, बड़ा तगड़ा नैटवर्क है। मैं पंजाब गवर्नमेंट भगवंत सिंह मान अगे रिक्वेस्ट करदा भी यह नैटवर्क का धंधा जो कुछ इन्हें बनाया इन्हें सोर्स जांच किए जाए, पैसा कितों आता है, की काम करते हैं, ये लोगों के गेमां पाते। 9 तरीक गोबिंदगढ़, इसे 9 तरीक गोबिंदगढ़ एक घर से गेम पाएगी विद प्रूफ है साढ़े को जी, कोई साढ़े पुलिस साथ नहीं देती, कोई काम करना चाहे उत्थे जाके देखा जाए सोनी किदा गेमां पाती है जी, ठीक है ना। हरेक मुलाजम नैटवर्क की है जी, इनका वो मुलाजमान से चैन पा के एक मुलाजम हैड कांस्टेबल जी, हैड कांस्टेबल अंदर बुला के उनकी पग ला के जुत्तियां मार के कुट के सारा महला गवाया जी, विधि चंद कलोनी सारी गवाया जी, ठीक है जी। फिर इन्होंने की किया जी, घर का समान शिव के भरावान और जीजिया ने चक्या जी, समान सोनी ने मैनू रिकॉर्डिंग पाइया भी मेरा समान तू चोरी कर लिया जी। असी मौके पर SHO साहब गोबिंदगढ़ के पेश होए, उन्हें मौके पर टीम भेजी, सारा रंगे हाथी चोर फड़े गए जी, वो चोर भी अजे फरार ने, उन्हों का परचा चोरों का परचा भी नहीं किया गया गोबिंदगढ़ थाने। असी दसो प्रशासन को की मांग कर सकते हैं, अज सू मजबूर होकर हाई कोर्ट 626 पेज का चलान है जी, वो जोड़ा अच्छे डाकूमेंट बने 626 पेज फोटो स्टेट करा दिया, पैसे बंद को नहीं निकले साढ़े को, इन्ने फोटो स्टेट हो गए जी साडा, इन्होंने वो कुछ किया जो असी दस नहीं सकते। हूँ साढ़े तो खतरा है भी तैनू शरेआम गोली मरवानी रिकॉर्ड है, सोनी 5 लाख रुपया किसी बदमाश में दे रही है, मैं कहता रिकॉर्डिंग वो कट के सुनाई जाए जनता सामने भी 5 लाख रुपया ले लो, कोई भी ब्रांच अफसर आने इतने तैयार नहीं होता इनका नैटवर्क देख के जी, ठीक है जी।
यह बेचारा अपनी जो ब्रांड हफ्त साहब ने अपनी जान जोखम से देकर फिर इतने पहुंचे नहीं जी। इनकी कोई सच्चाई नहीं किसी भी बयान से जी। अभी विद प्रूफ जो ये कहती उस प्रूफ हाजिर कर सकते हैं जी। विद प्रूफ ने पांच गेम ने लोगों नंगा करके मेरी बेटी की इज्जत बेची गई, मेरी भतीजी की इज्जत बेच बेच के मेरे भरा से गलत इल्जाम लाया गया। गलत इन्हों बंद ने काम किया, मेरा भरा उस सदमे से तो पारा पलान करके मंजे पे है जी। डॉक्टरी हुई होता सारा कुछ, पर सानू लारे ला के पुलिस बाहर कढ़ दिंदी है। एस एच ओ घनौल भी साडा काम नहीं कर रहा जी। हुण देखो दो घंटे इत्थे आए हो गया जी, कित्थों फोन करदे आ हुण तक नहीं पहुंचे। इन्हें कित्थों इनकम आँदी है, कित्थों इनकम आँदी है, कित्थों पंजा हज़ार वाले सूट आ जाते हैं, कित्थों भी तोले सोना पा लेंदे आ। और इहदा सारा ही जांच करके लोगों के सामने सच लिया जाए जी। साडी जान नूं खतरा हैगा, मैनूं इह किसे भी टाइम मार सकदे ने। मेरी मौत दा जिहड़े दे बंदे 12 बंदे परचे 'च लिखे हुए सी, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬ੍ਰੰਟ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 49/18/4/2023 ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 363, 366, 370, 374, 376, 2N, 323, 328, 342, 345, 346, 109, 120, IPC PS ਘਨੌਰ 4/6/17 ਪੋਸਟ ਕੁਐਕਟ। ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੰਟ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। इन्हां दी जिहड़ी बंदई मुकदमा है फिर इन्हां दे नाल भज्जे ही सी, इह इन्हां ने दुबारा ब्रांट अफसर नियुक्त करा गया जिन्हां नूं एचए खन्ने तो अरैसट किया जी। नहीं कोई जमानत नहीं है साढ़े, तो काबू नहीं आए साढ़े को अरैसट। साढ़े ध्यान च नहीं आया सानूं कौन कुट के लिया कौन ले सानूं इस बारे में। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੈਕਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੇਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਕਟ? ਹਾਂ, ਸੈਕਸ ਸੋਨੀਆ ਬੰਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਕਸ ਰੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਕੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥਾਣਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ।